खुदसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे और एक तो कोडलेस दीजिएगा ब्रा। हेलो साउंड मास्टर जी, और एक कोडलेस दीजिएगा। हरी स्वत काफी सुंदर, यहाँ पे पहला जमीनी को छूमते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब बड़ा गुरा का टीम खिलाड़ी और इस वक्त काफी सुंदर है बासु भाई की कब्जे में गेंद, और छोटे से यहाँ पे क्लियर करने में असफल, पुनः छीनने की पूरी तरह से हावी होता हुआ बड़ा गुरा का टीम खिलाड़ी, और पहला आक्रमण करने के प्रयास से करना चाहा, लेकिन सही सफलता पूर्वक गेंद को रफ्तार नहीं बना पाई। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है श्री संजय जी, जो जगदलपुर के हमारे साथी कमेंटेटर है, उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हमारे मंच में विराजमान हो चुके तो संजय जी, इस वक्त दोनों ही टीम में धीरे धीरे खेल का आनंद ले रहे हैं, पुनः इस वक्त रफ्तार बनाने के प्रयास। इस वक्त काफी सुंदर यहाँ पे गेंद की पीछे और रफ्तार दौड़ना चाहिए यहाँ पे बासुभाई के खिलाड़ी को। आज इस वक्त बड़ा गुरे के कब्जे में गेंद, और तलाश रहे हैं छोटी से पास यहाँ पे, और इस वक्त भी काफी सुंदर अपना साथी खिलाड़ी को अपील नहीं, यहाँ पे सीधा होने के लिए अपना मुंह को सही दिशा लगा गेंद को ले जाने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे, लेकिन काफी अच्छे लंबा विशील देखना होगा यहाँ पे डिसीजन में किधर देते हैं। पहला कॉर्नर का मौका मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में आधा गोल माना जाता है, अब देखना होगा पूरी गोल में तब्दील कर पाती है नहीं, क्योंकि वेस्ट कोलाना बड़ा गुरा को मध्यांतर का पहला हाफ में चंद मिनट में ही यहाँ पे मौका मिली है। और हमारे साथी कमेंटेटर जी संजय जी को मैं कुछ पूछना चाहूंगा, वेस्ट कोलान बड़ा गोहरा का टीम खिलाड़ी, जो कि आधा गोल माना जाता है, इसको पूरा गोल में तब्दील कर लिए वेस्ट कोलान बड़ा गोहरा का टीम। जर्सी नंबर बता देंगे आपके हमारे संजय जी, जर्सी नंबर देख लीजिएगा, वेस्ट कोलान बड़ा गुरे के गोल स्कोर, प्लीज आप जर्सी नंबर दिखा देंगे। जर्सी नंबर जो कोई अधिकार ना दोन, हाँ तो 22 नंबर की हमारे वेस्ट कोलान बड़ा गुरे की ओर से। और इस वक्त यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे मौका, बहुत ही समय है आपके पास, इस वक्त दो गोल के बदले एक गोल के बदले दो गोल में तब्दील करने के लिए काफी यहाँ पे, मैं पहले ही खेल होने से पहले ही मैं दर्शक लोगों को याद दिला दिया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैदान को आज यहाँ पे जबरदस्त से खंगारना पड़ेगा, यहाँ पे पूरी धूल उड़ा देगी यहाँ पे काफी अच्छे खेल के बाद। इस वक्त काफी यहाँ पे रोकने में असफल, पुनः सही तालमेल नहीं बना पाया, पुनः इस वक्त छीनने के लिए दो खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद थे, पुनः इस वक्त लंबे पास देना चाहा लेकिन गलत पास, इस वक्त देखना होगा यहाँ पे एक खिलाड़ी को बीट करने के प्रयास किया था लेकिन असफल, पुनः दैनिक छोर के लिए अपना साथी खिलाड़ी को पास दिया गुरा के टीम खिलाड़ी, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद बासुभाई। तो संजय जी यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे और एक मजबूत प्लग बनाने के लिए तलाश रहे यहाँ पे गुरा के टीम खिलाड़ी, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे बासु भाई की भी कम खिलाड़ी टीम नहीं है, क्योंकि अच्छा खेल का आज आनंद लेंगे, और बहुत समय है क्या इसे एक के बदले दो गोल में जगह बनाने की तब्दील कर सकती है संजय जी? हाँ एकदम जरूर, इस वक्त बासु भाई यानी कि नीली जर्सी पर बने हैं, जो कि इस वक्त 0-1 से पिछड़ता हुआ, लेकिन और वेस्ट कोलान बड़ा गुजरा जो कि 1-0 की बराबर भाई, इसके और एक मौका की तलाश जरूर कर रही है। इस वक्त अच्छी किसी इस वक्त बासु भाई के गोल के पास द्वारा कहना जरूर मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा इस वक्त है, और बासु भाई भी काफी इस वक्त मेहनत जरूर कर रही है, कहीं ना कहीं लंबे समय पर अपना स्कोर
हेलो हेलो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लंबे समय से यानी कि हमारे बड़े भाई अजय देवगम इस वक्त कमेंटेटर में बने हुए हैं, और उसको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। और YFC लुपुंगुट के तमाम यहाँ बने दर्शक तम उपस्थित है, सभी को इसे कमेटी परिवार से हार्दिक स्वागत। यानी कि आज का ये पहला दिन, यानी कि टोटल 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता रखा गया, यानी कि आज ये प्रथम दिन का खेल, यानी कि तार राउंड का ये पहला मैच चलता हुआ। इस वक्त 4 नंबर यानी कि बासु भाई के पास गेंद अच्छी खास, इस वक्त 5 नंबर देगा 4, लेकिन देखना होगा क्या करते हैं बासु भाई। और इस वक्त पुनः वेस्ट कुरान के पास गेंद अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं गलत पास, और गोलकीपर द्वारा ने अपने साथी खिलाड़ी के अच्छी पास दिए हैं। इस वक्त बासु भाई के पास गेंद, अपना साथी को देना चाह इस वक्त 8 नंबर के लिए। और सुभाष इस वक्त खेल रहे हैं बासु भाई के दोनों टीम। दर्शक को नए मैदान से जो दुकदम चनप्पा दुखते मंत्र मोचा को पे चेंज ना हुआ ना लिखा को सुनतु ये तेलो कर सांडी को गौरव प्रणा करना ना अंडो जुगु गाड़ी तो पूरे को गुनम गरम होइना मेंते आपे जुगु दो कदम चना पदुक पे पूरे करेत को कीचु के दोरी उंडो आपे आ मोचा को बदल रना हो इना दोबारा काना मुरे हो आज इसो के 9 नंबर के लिए अच्छा मौका यहां पर सुबाई के लिए। अब देखना होगा नेट को पूरी तरह से दर्शा रहे हैं, देखना होगा तलाश रहे कहीं ना कहीं यहाँ पे, और अच्छा छोड़ रही है यहाँ पे, और गोलकीपर के हाथों यहाँ पे पंच किया पुनः निकासी करते हुए, और इस वक्त काफी सुंदर यहाँ पे फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 गोल प्राप्त बनाने के लिए तलाश रही है गोईरे के टीम खिलाड़ी। और इस वक्त और दर्शाते हुए अच्छे शॉट है, और गोलकीपर का कीपिंग जो भी मानना होगा जितना तारीफ किया जाए, क्योंकि पहले में थोड़ा सा गलती तो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्नर के जो कि शूटिंग होता है यहाँ पे काफी भीड़ होती है, गोलकीपर को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है। अब इस वक्त काफी सुंदर यहाँ पे संजय जी या संजय पुर्ति जी यहाँ पे काफी अक्सर खेल का मजा आ रहा है हमको देखने में, अच्छा कॉमेंट्री करने में भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इस वक्त बार बार यहाँ पे टेक्निक सही पास दे रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा जो कि है सही तालमेल नहीं बनाता हुआ 1-0 से पीछे। अरे नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ी का। अरे इस वक्त काफी सुंदर यहाँ पे थ्रो किए थे यहाँ पे 21 नंबर हाँ गुरक टीम, पुनः इस वक्त लंबे पास से 17 नंबर है, पुनः इस वक्त गेंद को छोड़ता हुआ पुनः इस वक्त काफी सुंदर यहाँ पे और इस वक्त गोईरा के कब्जे में, और देखना होगा अच्छा तालमेल बनाना शॉट करारा जवाब दिया था यहाँ पे, लेकिन डिफेंडर मौजूद पुनः रोकने में सफल, और इसका पिच गोईरा के कब्जे में गेंद छोटी सी पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, और स्टील शॉट यहाँ पे अच्छा ड्राइविंग और गोलकीपर की टीम में, और अच्छा शॉट रही थी थोड़ी सी यहाँ पे बाएं पैर से जो की शॉट इसका मत कीजिए बहुत प्रेरणा, लेकिन निकला शॉट जितना हड़बड़ी आप खेलते हैं उतना गड़बड़ी यहाँ पे करना होगा। दर्शक बंधु यहाँ से गेंद नहीं दिखी, आप पेड़ में चली गई या बाहर चली गई या नेट में, दर्शक मर दुख पे मंच समनंग रहे जितना पे तिंगो गने मर रहे दुख पे ना लिखा आलियो ने नेहरू उठे ने मर। हेलो संजय जी, चलिए आप पे एक आंखों आके देखा है कुछ बता देंगे। चलिए बहुत बड़ा इस वक्त बासु भाई यानी कि जर्सी नंबर 17 है, बहुत बड़ी गलती की है इस वक्त अपना कर बात अब हाफ टाइम यानी हाफ टाइम मध्यांतर हो चुकी है, अब इसे के बाद आप पूरी तरह से यहाँ पे मेहनत करना होगा एक के बदले 2 गोल। संजय जी चलिए इस वक्त सेकेंड हाफ का ये मैच चलता हुआ, अब देखना होगा क्या बासु भाई इस वक्त जरूर एक गोल से पीछे चल रही है, पर इस वक्त कोलान वेस्ट भी दूसरा गोल की तलाश में जरूर इस वक्त है, और वेस्ट कोलान को देखना होगा कितना अपना टीम के लिए वेस्ट करती है। अब तो ये सेकेंड हाफ
खेल के दौरान ही पता चले कि बेस्ट यानी कि वेस्ट जरूर की इस वक्त एक गोल से जरूर आगे इस वक्त है और इस वक्त वेस्ट कोलान इस वक्त जरूर दूसरी गोल करना चाहेंगे। जी अजय जी, और क्या कहेंगे इस वक्त बासुभाई की टीम की तरफ से? इस वक्त पूरी तरह से मेहनत तो करना होगा संजय जी, और मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गुइरा की टीम में पूरी तरह से अपना दिल में जो कि सोच के रखे हुए हैं, अब एक गोल की मजबूत बढ़त बनाए हम क्यों हम पीछे हटे, और कजरिए पूरे गेंद को रफ्तार में अपना गेंद को कब्जा ले पा ले करके इस वक्त गेंद एक गोल की मजबूत बढ़त बनाई हुई है, पुनः इस वक्त गुइरा के कब्जे में गेंद है दर्शक बंधु के लिए, और इस वक्त काफी सुंदर यहाँ पे तलाश रहे, कहीं ना कहीं यहाँ पे और एक मौका बनाना पड़ेगा यहाँ पे छोटी सी स्किल करने के लिए, यहाँ टच लाइन के सामने से गेंद को देखना होगा यहाँ क्या करते हैं, पुनः इस वक्त आउट लाइन के बाहर। और इस मैच के बाद बिल्कुल खेलने के समय में जैसे खेल समाप्त होती है सेंटर रेफरी पंडाल के सामने चले आएंगे, देखिए इस वक्त गुइरा के कब्जे में और ये जवाब डिफेंडर है उछाले लगभग यहाँ 300 फीट के उछाले, और यहाँ पे कहीं ना कहीं और एक अच्छी तलाश है शानदार शॉट और दूसरी गोल में समक्ष गोलकीपर में क्षमा चुकी है इस वक्त जर्सी नंबर 7 द्वारा वेस्ट कुलान ने बड़ा गुइरा की ओर से क्योंकि तलाश रहे थे इसका फल को का नतीजा 2 की जगह में 4 गोल में तब्दील कर पाएंगे या नहीं देखना होगा, इस वक्त पहला गोल करने के लिए पहला आक्रमण करने की प्रयास, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी लाइन थोड़ा धीमा हो चुकी है क्योंकि आज YFC लुपुंगुटो में कहीं ना कहीं कुछ करके यहाँ पे थर्ड राउंड में खेलने का मौका मिली है बासुभाई की टीम को, जो कि यहाँ पे निराश नहीं होना पड़ेगा जो कि अच्छा और खेलेंगे यहाँ पे 2 के बजाय 4 गोल में तब्दील करने के लिए, अच्छी हेडिंग यहाँ पे गोल की या गुइरा की ओर आई है, रफ्तार जैसे यहाँ पे चाल रही जैसे यहाँ पे दौड़ है उसी तरह गेंद भी सही छोड़ी जा रही है, यहाँ पे देखना होगा फाउल या हैंडबॉल का इशारा, और एक गोल्डन चांस मिलेगा यहाँ पे और एक सुनहरा मौका जो कि वेस्ट कुलान बड़ा गुइरा को जो कि और एक स्कोर जो कि रहेगा काफी बढ़त मतलब काफी ज्यादा करने के लिए यहाँ पे आज अच्छा खेल का प्रदर्शन है बड़ा गुइरा मध्यंतर के सेकंड हाफ का मैच ये खेलता हुआ और इस वक्त करने को तैयार, काफी अच्छा शॉट थोड़ा सा यहाँ पे स्विंग ज्यादा यही है काफी रफ्तार थोड़ा नहीं है, अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे आप जो कि इस मैच में पहला यहाँ पे फाउल का बिल और इस वक्त अच्छे शॉट है और इस वक्त नेट के क्षेत्र पर पुनः पंच अच्छे साथ में और लंबा वसीला इस टाइम आ रहा है कि हमको लगता है गोल हो गया लेकिन आउटलाइन के बाहर यहाँ पे कॉर्नर का मौका मिलेगी जो कि पहला जो कि 1.5 मिनट के अंदर में बड़ा गुइरा के टीम खिलाड़ी ने मध्यांतर के पहला हाफ में एक गोल में तब्दील कर ली जो कि 22 नंबर के द्वारा और उसका यहाँ पे कॉर्नर का मौका मिली यहाँ पे देखना होगा लगभग समाप्ति के पश्चात यहाँ पे कुछ लगभग यहाँ पे 3-4 मिनट बाकी है जो कि इसका मुकाबला करें, इस वक्त काफी अच्छे खिलाड़ी टीम से सुसज्जित है जो कि अनुशासन खिलाड़ी इस वक्त 2 से 30 से पुनः इस वक्त और एक मौका मिलेगा क्योंकि अच्छा शॉट करना पड़ेगा यहाँ पे लेकिन गलत शॉट है आउटलाइन के बाहर ये बासुभाई लगभग खेल समाप्ति की ओर है, पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फोर्थ रेफरी पंडाल के सामने पहुंचने की कष्ट करें केसी बादशाह नाम जनरल हॉस्टल टाटा कॉलेज चाईबासा जनरल हॉस्टल टाटा कॉलेज चाईबासा बनाम केसी बादशाह दोनों टीम कप्तान टीम मैनेजर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा लगभग खेल समाप्ति की ओर है पुनः आप पे अपना टीम को लगभग और एक मौका गुइरा के लिए और थोड़ी सी यहाँ पे छुट्टी